नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरा जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ते हैं। माधव निदान में हम लोगों ने वातज पित्तज कफज सन्निपातज शोथ के सारे लक्षण और हेतु वगैरह सब पढ़ लिए। अभी हम लोग अभिघातज मतलब कोई इंजरी होने की वजह से जो शोथ हो जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही जरूरी है पढ़ना समझना, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे अभिघात शोथ के लक्षण, ये आप लोग देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा। 11 और 12 नंबर का श्लोक देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ऐसा बताया है कि अभिघातेन शस्त्रादि छेद भेद छतादि भी हिमा निलो दध्य निलय भल्लातक कपिक कच्छुजे ही रसे ही शुकेश्च संस्पर्शात शवधु स्याद्धि सर्पवान वृषोष्मा लोहिता भासः प्रायशः पित्त लक्षणः। मतलब जो शस्त्र आदि के चोट लगने से या घाव होने पर जो शोथ हो जाता है, मतलब कोई शस्त्र, पहले के जमाने में युद्ध वगैरह होते थे तो बहुत सारे शस्त्र लग जाते थे, या चोट लगने पर जो शोथ होता है, या शीतल वायु से या समुद्र के वायु से या भिलावे के रस से या केवांच की फली के स्पर्श से या शुक से, शुक एक वनस्पति है, वो लग जाने से शोथ हो जाता था, तो उसमें जलन बहुत होती है, रंग लाल होता है, शोथ फैलता जाता है, उसे अभिघात शोथ कहते हैं। इसमें प्रायः पित्त शोथ के लक्षण होते हैं क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो पित्त शोथ में जिस तरह से दाह पाक राग लालिमा ये जो होता है वही सारे सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो अभिघात शोथ के इन्होंने लक्षण बताए हैं। टीकाकार जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बोलते हैं कि अभिघातजम शवतुम आह अभिघातेन इत्यादि अभिघातेन यह शोतः सा शस्त्रादिर्भिर भवति हिमा निलो दध्य निलय रीति हिमा निलय रुदध्य निलयश्च उदध्य समुद्रः भल्लातक कपि कच्छुजेहि रसेहि शुकै रीति भल्लातक रसेहि कपि कच्छवा शुकैश्च कपि कच्छुः शुकशिम्भि। अभी आप लोग को मालूम है कपि कच्छु जो रहता है उसका जो बीज होता है, ऐसे तो वो वृक्ष होता है लेकिन उसका जो बीज होता है उसको खाज खुजली भी बोलते हैं, वो अगर लग गया तो खुजली बहुत ज्यादा आती है और उससे शोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे आगंतुक कारण है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो उसके मतलब चोट वगैरह लगने से स्वेलिंग आ जाती है। तो अब दोष शोथ के पश्चात अभिघातन इत्यादि शब्द से आठवें अभिघात शोथ का वर्णन करते हैं, जिसे अभिघात शोथ कहते हैं। यह शोथ शस्त्र आदि के प्रहार से होता है, जैसे तलवार चाकू छुरी आदि शस्त्रों के कट जाने पर तत्काल उपचार न करने से विसर्प शोथ जैसा हो जाता है, इसे अभिघात शोथ कहते हैं। हिमानिल इत्यादि, हिमानिल अर्थात बर्फानी हवा, उदधि मतलब समुद्री हवा, उदधि मतलब समुद्र को कहते हैं।
यहाँ पे हिमानिलाद उद्यानिलय ऐसे हैं। तो समुद्री हवा अगर लग जाती है तो वो विषैली हवा रहती है और वो बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान देती है अगर कंटिन्यू लगे तो। उसी तरह से भल्लाते इत्यादि, तो इसका मन में ये होता है कि भल्लातक का रस लगने से, भल्लातक जो होता है वो कटु कटु उष्ण होता है, कटु रस, कटु विपाक और उष्ण विरियात्मक, तो वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ज्यादा उससे शोथ हो जाता है। और कपि कच्छू के शुक या रोई लगने से शोथ हो जाता है। बिलावे का अंदर का काला या गाढ़ा रस होता है। हाथ मुख आदि में छीट पड़ जाती है, छीटे पड़ जाती है तो शरीर में खुजली, दाह एवं लालिमा युक्त शोथ उत्पन्न हो जाता है। कपिकच्छु शुक शिंबी होती है, ये क्रॉन्च वाली को कहते हैं। दोषज शोथों के पश्चात अब आगंतुक शोथों का वर्णन करते हैं। खड़ग आदि शस्त्र से किसी अंग के कटने फटने या छिदने से यदि समय पर उपचार न किया जाए तो एक प्रकार का विसर्पणशील शोथ हो जाता है। जिस तरह से विसर्प होता है सांप की गति की तरह, उस तरह से स्वेलिंग फैलते जाता है और इसमें पेशेंट को फीवर आता है और सेप्टिसीमिया हो जाता है और वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सड़न होने लगती है उसमें। इसी तरह से बर्फानी या समुद्री हवा के स्पर्श से भी शोथ हो जाया करता है। तब भिलावे के रस से, छींटे पड़ने से या क्रॉन्च वली के रोए चुभने से भी सारे शरीर में सूजन हो जाया करती है। यह सूजन विस्तार के समान फैलती है, जलन और खुजली पैदा करती है। शरीर का रंग लाल हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी पित्त के लक्षण होते हैं, जैसे तृष्णा होती है, प्यास लगता है, संताप होता है, मतलब फीवर आता है। ये सारे आचार्य लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि सेप्टिसीमिया में पेशेंट जाता है, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भल्लात कपिकच्छु जन शोथ को विशेष शोथ के साथ रखते हैं तो ठीक रहता, क्योंकि अंततः वह उपविष ही है। मतलब ये विषज अलग क्यों बताया, तो टीकाकर अपना मत बोलते हैं कि इनको साथ में रखना चाहिए, लेकिन माधव निदानकार हैं, उन्होंने अलग अलग रखा है कि अभिघातज अलग होता है और विषजन्य शोथ अलग होता है। तो ठीक है, ऐसे इन्होंने बताया। अब इस पर और टीकाकर क्या बोलते हैं कि सुश्रुत और माधव निदानकार ने आगंतुक शोथ के अभिघात को और विषज दो प्रकार बताए। ये दोनों प्रकार के लक्षणों में बड़ी ही समानता दिखाई देती है। इसमें पित्त के सारे लक्षण पाए जाते हैं। यह शोथ तुरंत फैलता है, तीव्र वेदना होती है, दाह होता है, बर्निंग होता है और उष्ण स्पर्श, ऐसे स्पर्श करने पे गर्म लगता है, और आरक्त वर्णता मतलब रेड कलर का हो जाता है, आरक्त वर्णता। दाह यह लक्षण पित्तजन्य शोथ में अधिकतर पाया जाता है। कंडू, शरीर पे मंडलोत्पत्ति आदि लक्षण कई बार मिलते हैं। तो आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग बताइए, कुछ अभी आता शोध के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, चोट लगने पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कोई बोलना चाहते हैं? आरती मैम, शशि मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। गुड मॉर्निंग सर, ऐसा तो नहीं देखा जैसे इसमें का है। नॉर्मली तो होता है कि इंजरी जब भी होती है तो स्वेलिंग आती है, क्योंकि मॉडर्न में भी अगर कहते हैं कि कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन का मतलब ही होता है कि स्वेलिंग, रेडनेस, पेन वगैरह सारी चीजें होंगी। तो इंजरी के केस में तो मेजोरिटी होता है, बट ये जैसे आपने बोला कि समुद्री हवा लगा इस तरह की चीजों का, तो मैं अभी जैसे वाइजग में भी रह रहे हैं तो इस तरह का एक्सपीरियंस तो नहीं किया अभी तक, या समझ नहीं, में नहीं आया। सभी हर समय नहीं होगा। जहां पे विषैला समुद्र, समुद्र जहां गंदा हो गया, दूषित हो गया, वहां की हवा लगने से जी सर, हर समय लगेगा, ऐसा नहीं है। सर बाकी ये शस्त्र वगैरह का चीज बताइए, चोट लगने से वो उसका छोटे कैसे? बच्चे में तो आप छोटे देखिए हर जगह होता है सर। हाँ मैम बोलो आप प्लीज। बच्चे गिर जाते हैं सर, तब उनको होता है ना सर, छोटा छोटा सा ऐसे हेड पे वगैरह होता है, तो वो भी अभिघातज में आएगा ना सर, हाँ जी वो होता है सर, हमेशा देखते हैं सर बच्चे गिरते हैं तब जी फोरहेड पे आ जाता है सर, बड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। सर वो मोच मोच आती है, स्प्रेन आता है, उसमें भी सूजन होती है सर, वो हाँ भी अभिघातज में ही आएगा जी हाँ सर। जी और बताइए, कुछ ऐसे कुछ पिन लग गया या कुछ ऐसे लग गया तो देखा है आप लोगों ने? कुछ बोलिए अनुरिता मैम, आप कुछ बोलेंगी? अभी गाता है शोध के बारे में, कुछ अनुभव होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, पेशेंट देखेंगे, कुछ बताइए आप लोग।
नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें वो आगंतुक कारण से जो शोथ होता है, तो इसमें उपद्रव भी बताएं, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जैसे कि छर्दी होता है, श्वास हो लगता है, अरुचि होता है, तृष्णा होता है, ज्वर होता है, अतिसार होता है, दौर्बल्यता, ये सात उपद्रव चरक ने वर्णन किया है। हिक्का, कास, वात वलासक ज्वर, ये शोथ के उपद्रवों का वर्णन अन्यत्र पाया जाता है। कफ शोथ में मूत्राघात, ये लक्षण अगर ठीक कफ का सिम्टम है तो वो दिखेगा। अनुरिता मैम कुछ बोलेंगी आप? सर, ये अभिघात शोथ तो सबने देखा होगा, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले उसका पेन बंद करना रहता है, बाद में शोथ। यूजुअली क्या रहता है, कफ शोथ, और इसमें आपको स्वेदन वगैरह नहीं लगता है, लेकिन अभिघात शोथ अगर है तो वहां पे फोमेंटेशन लगता है। जब भी सर्कुलेशन इंटेंगल होती है, मतलब हरे नीली और इस टाइप से अगर वहां पे, तो आपको कभी कभी कोल्ड फोमेंटेशन देना होता है, जिसकी वजह से और रक्त वाहिनियां ना फूटे। यूजुअली खेलते वक्त में बॉल्स वगैरह लगती है, या बच्चे गिरते हैं, या बैट वगैरह लगती है, तो हेवी ये रहता है। और दूसरा चीज, इंटरनल ब्लीड स्टॉप करने के लिए कोल्ड फोमेंटेशन, और पेन अगर है तो हॉट फोमेंटेशन इंस्टेंट रिजल्ट देता है। फिर उसके बाद में आपको बाकी की चिकित्सा करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। लेकिन कभी कभी कैसे रहता है कि यू आर इन ट्रेवलिंग, और जैसे मेरे कुछ एक्सीडेंट्स हुए या मैंने देखे हैं, तो उस वक्त में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है, ये जरूर देखना होता है कि अगर पेशेंट को लग गया है और वो उस जॉइंट में या उस पर्टिकुलर एरिया पे दबाव नहीं दे पा रहे, खड़ा नहीं हो पा रहे, 90% देर आर इंटरनल फ्रैक्चर्स, उसको स्टेबलाइजेशन करके फिर उसको वुंड को एक करके उसको छोड़ना चाहिए। बिकॉज मेनी अ टाइम रोड एक्सीडेंट में ऐसे वक्त आता है कि बहुत गंदे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और पेशेंट को हॉस्पिटल जाने तक का समय रहता है। हमारी कैसे कार से कार कोलाइड एक्सप्रेस हाईवे पे हुई थी बॉम्बे, तो 5 से 6 गाड़ियां उल्टी थी एक दूसरे पर करके। उस वक्त मुझे आज भी याद है, 6 से 7 लोग थे जिनका एक का टीबियल फ्रैक्चर था, एक का नी फ्रैक्चर था, और वो खड़ा होते ही गिर जाता था वो बंदा, एक लड़की थी। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि इंटरनल ऐसी चीज है कि वहां पे फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर हो सकता है, वहां पे तुरंत इमोबिलिटी अपने करके या किसी चीज से टाई अप करके। और दूसरा है ब्लड सीजिंग, मतलब जो भी ब्लीडिंग होता है उसको इमिजिएटली आप किसी ठंडे चीज से या फिर बर्फ से या किसी चीज से बांध के, आपने अगर वहां का आउटफ्लो हो रहा है, ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे सबसे पहले जिमनी चिकित्सा ये रहती है कि आप उसका ब्लड का ऊजिंग रोक दीजिए। ये दो चीज ट्रीटमेंट, अगर ओपन वुंड है, अभिघातज है, उसके बाद में आने वाला शोथ और ये सारी चीज के लिए वक्त मिलता है। लेकिन अभिघातज में इमरजेंसी यू शुड हैव दैट इमरजेंसी स्टेप्स टू पुट ऑन, बिकॉज मेनी अ टाइम लोगों को नहीं पता चलता है। और दूसरी चीज ये कि फिट्स में कभी कभी लोग गिरते हैं, एपिलेप्सी आता है या क्या, तो सर सबसे पहले एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट के लिए आपने कुछ स्टेप लेने की, पहले वो जिस भी कंडीशन में गिरा है, सबसे पहले उसका राइट या लेफ्ट आपको नेक एक्सटेंड करके, उसका नेक एरिया जो है, मतलब गर्दन से लेके उसकी बॉडी का जो हेड पार्ट है, वो राइट साइड या लेफ्ट साइड करना है। मेनी अ टाइम टंग बाइट होता है या फिर एनगल्फिंग होता है, कुछ चीज मुंह के अंदर चली जाती है, वो चोक ना करे, और जो भी कंटेंट है, किसी को उल्टी आती, किसी को मुंह में स्राव रहता है, वो बाहर निकले और उसको एरेशन मिले, मतलब ऑक्सीजन मिले, इसलिए ओपन एरिया में ही रहना। बिकॉज बहुत कॉमन ये है कि अरे फिट्स आ गया, गिर गया, उसके बाद में लोग अलग अलग भीड़ इकट्ठा करते हैं और ये लगाते हैं। तो इमरजेंसी में सिखाया जाता है अभिघातज, जो भी ये रहती है उस, इसमें शोथ से पहले अगर आपको कुछ वुंड या कुछ इंजुरीज लगती है, उसको मैनेज करना है एज अ डॉक्टर, आपको बहुत जल्दी ये लगता है। बाकी सर आप ट्रीटमेंट तो सही से बताते हैं, लेकिन हम यूजुअली जो ग्राउंड पे रहते हैं उनको पता चलता है अभी यहाँ तक इंजुरीज बहुत बहुत तकलीफ दे दी वाली होती, तो इमीजिएटली उसको मैनेज करना चाहिए। थैंक यू सर। आप अभी आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो आपको क्या ऐसे हो रहा था सिम्टम्स वो बताइए ना, कुछ ऐसे 6 महीने पहले या 1 साल पहले कुछ हुआ था ना आपका? मई में सर, यही पिछले हाँ साल के मई में एक्सीडेंट हुआ था क्या हुआ था, कैसे हुआ था वो तो बताइए थोड़ा, क्या सिम्टम्स थे, सर। आप कुछ कहाँ जा रही परचेस थी? करने गए थे, संडे था, तो मुझे सिर्फ संडे को थोड़ा बहुत छुट्टी रहता है दिन में, तो बेटे का फरमाइश था कि मुझे फ्रूट सैलड बनाना है, खाना है।
वो साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली जो गाड़ी गाड़ी हीट की वजह से बैलेंस नहीं कर पाई और राइट लेग पे मेरी गाड़ी गिरी। राइट लेग पे गिरी लेकिन उसके ऊपर गाड़ी गिरने की वजह से मैं मूव नहीं कर पा रही थी। उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज उठा दीजिए क्योंकि लगा है, क्योंकि वो तुरंत दिखा। फर्स्ट सबसे पहले सिम्टम रहता है स्वेलिंग, पहले पेन नहीं रहता है, स्वेलिंग रहता है। तो उस वक्त तक ऐसे लगा कि नहीं ज्यादा नहीं लगा है, लेकिन वो उठाए नहीं। 20 मिनट तक रस्सी गिरी रही और सारी भी दिख रही है, मुझे लगा पक्का सर को लगा है या खून वून निकल रहा है, लोग उठा नहीं रहे। 20-25 मिनट में पेन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, फिर किसी छोटे बच्चे को पकड़ के उठे, और वो दोनों लड़के वहां सामने दुकान में कुछ ले रहे थे, उनकी बाइक सामने थी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे घर के एकदम बगल में मैं और कोई नहीं है वहां पे, संडे थोड़ा रोड पे लोग कम रहते हैं। बाद में गुस्से में उनकी भी गाड़ी गिरा दी मैंने एक पैर से, लेकिन खुद ड्राइव करके आई। तो वो सारी चीज में आपका मैनेजमेंट में जो इमोबिलिटी अगर नहीं होती है तो फ्रैक्चर के चांसेस, जो आपका टूटी हुई हड्डी वो एक दूसरे पे कोलाइड होके वहां का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसकी वजह से वो जो मेरा चलना उसके ऊपर तनाव देना, और ड्राइव करके आई मैं, तो तब तक वो नी वाला फ्रैक्चर, दो फ्रैक्चर्स थे, और एंकल जॉइंट मेरा वैसे भी 3 बार इंजोर्ड है, 2 बार इससे पहले भी फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन तब प्लास्टर किया था क्योंकि वो बचपन में था, फिर एक मेरा 30s में था। ये वाला मेरा बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक है जबकि क्योंकि लिगामेंट्स काफी इन्वॉल्व थे, टीबियल लिगामेंट देन नीचे के एंकल लिगामेंट्स, इसको हील होने के लिए मुझे तकरीबन 7 मंथ्स लगा कि मैं एक्टिविटी कम कर पा रही थी। लेकिन विदाउट सर्जरी मैं, मेरा पैनल कंसल्टेंसी श्री का है, तो श्री में एडमिट हुई थी। डॉक्टर पाटिल सर बोल रहे थे सर्जरी करा लेते, पॉलिसी है, बड़ी पॉलिसी है, लेकिन मैंने सर्जरी भी नहीं कराया। और मुझे मल्टीपल ड्रग एलर्जी होने की वजह से कोई पेन किलर नहीं ले पाई, जिसकी वजह से मुझे पूरा पेन किलर ट्रायल करने को मिला कि किससे सूजन कम होता है, किससे ट्रायल कम होता है। नावक गुगुल हम इसमें यूज करते हैं यूजुअली ओबेसिटी में, लेकिन आपको जब पेन के लिए करना है तो आप बहुत अच्छे अच्छे योग मैंने किए। शोथ के लिए लेप बहुत अच्छे बनाए, यूजुअली दशांग लेप, बजरंग लेप, ये टिपिकल ये रहता है, लेकिन उसके कंटेंट लेके मैंने गोक्षुर पुनर्नवा, उसके साथ में मेदा लगड़ी लेप, ये करके मेरे मई जून में, अप्रैल जून तक, जून में मुझे इमरजेंसी दिल्ली जाना पड़ा, जून जुलाई में। तो वो विजिट मेरे लिए बहुत तकलीफदायक थी क्योंकि मैंने व्हीलचेयर का अरेंजमेंट लिया था और फ्लाई कर, बिकॉज कुछ ऐसी इमरजेंसीज थी। एंड आफ्टर दैट फिर डॉक्टर बोले कि आप मत चलिए क्योंकि आप स्ट्रेन देते, आपने प्लास्टर भी नहीं कराया। मेरा ऑर्थो का भी हॉस्पिटल पैनल कंसल्टेंसी का डॉक्टर खाडिलकर बहुत अच्छे डॉक्टर है, बोले मैडम आपको प्लास्टर नहीं तो आपको इमोबिलिटी चाहिए। उन्होंने मुझे जो ये दिया था स्प्लिंट वगैरह दिया था, लेकिन यूजुअली होता था कि उस स्प्लिंट से मैं चल नहीं पाती थी, मतलब एटलीस्ट मुझे क्लिनिक ओपन ओपनिंग करना था। फिर एक एक पैर पे स्प्लिंट और एंकल पे जो ये रहता है कि कुछ चप्पल नहीं पहन सकते थे आप काफी दिन तक, तो उस वक्त में आपको काफी सारे गूगल पुनर्नवा का बहुत अच्छा फायदा हुआ, बिकॉज मेरा मुझे ऐसे लगा कि शायद ओबेसिटी की वजह से मेरा मैं हीलिंग नहीं ज्यादा कर पाऊँ। मैंने जो ये रहता है कैल्शियम इंटेक, रहता है अपना गम्स, तो उससे रेजिन्स और ये सारी चीजों से कुछ छोटे लड्डू बनवाए थे, बिकॉज देन ऑर्गेनिक में कैल्शियम इंटेक लिया था मैंने, कुछ ओमेगास लिए थे, क्षीरवला के कैप्सूल्स लिए थे, क्योंकि खुद पेशेंट होते हो तो आप बस्ती और पंचकर्म ये सारा चीज नहीं कर पाते हो, और इमोबिलिटी सबसे मेन प्रॉब्लम थी। तो फिर अगस्त सितंबर में तो ऐसे हुआ कि मुझे 3 महीने में, अगस्त सितंबर 2 महीने में मुझे कम से कम 4 चक्कर दिल्ली लगा का कुछ काम था। दैट वाज वेरी एक ट्रिप में मुझे कैसे ये मिल गए, कलेक्टर थे वो किसी के, उन्होंने फिर मुझे काफी हेल्प किया था। तो दैट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस टू दैट। लेकिन इस डिप्रेशन से बाहर आना कि आप कुछ नहीं कर सकते वो बहुत तकलीफ देता है। तो मैंने फिर सितंबर के बाद में मेरा ग्राउंड प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दिया। हडलकर सर को पताया नहीं था क्योंकि मैंने स्टेटस भी नहीं डाला था, लेकिन उनको
बाकी डॉक्टर से भी पता चल गया, एबी से भी पता चल गया, बोले मैडम आपको आपका बुढ़ापा अच्छा नहीं चाहिए। मैंने बोला बुढ़ापा कब जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी तो अच्छा चाहिए। मैंने फिर क्रिकेट की काफी मैचेस खेली, रनर लेके खेली मैंने नवंबर तक। नवंबर के बाद में मैंने इंडिपेंडेंटली भागना शुरू किया। टुडे स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं आता, पेन बहुत हार्डली तब होता है कि जब मैं खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया होता है, बहुत ज्यादा लंघन हो जाता है तभी पेन बढ़ता है। मेरा नस्य रुक गया, इसकी वजह से थोड़ा सा पेन मुझे बीच में हो, फिर अभी फिर से नस्य शुरू करूंगी मैं। ये शोथ, ये जो कंसेप्ट है, इसमें आपको मतलब इंटरनली पता चलता है जब सर्कुलेशन हील होता है, वहां की संवेदनाएं अलग रहती है। आप जब रक्त पाचक लेते हो, जब आप मेदो पाचक लेते हो, तो यू अंडरस्टैंड कि या बहुत इजीली शोथ कम हो रहा है। बिकॉज मेनी अ टाइम आप जब फ्रैक्चर में हीलिंग जब रहता है और विदाउट पेन किलर और विदाउट एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उस वक्त में यू हैव दैट सेंसेशन वेरी इजीली, यू कम टू नो कि अंदर से कैसे फील हो रहा है। उसके बाद में चलने के बाद में शोथ फिर से पुनरुद्गम हो सकता है। तो आपने अपने मतलब हेतु पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पूछने चीजें हैं या जिससे बात का प्रकोप ना हो, जिससे दुष्टि ना हो, ये सारी चीजें। उस वक्त में मैंने घी भी खाया बिकॉज दैट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस, मुझे जल्दी हील होना था। अदरवाइज मैंने अब तक घी बटर और ये सारी चीजें मेरे इंटेक में नहीं है, बट दैट टाइम आई कंज्यूम घी ऑल्सो। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने एक्सपीरियंसेस अपने। थैंक यू मैम। और कोई कुछ ऐसे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगंतुक शोध के बारे में किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो इंजरी का तो कुछ बताइए आप लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब है विशेष शोध के लक्षण, जो विष के उत्पन्न कोई भी चीज होने से होता है। तो 13 और 14 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें बताया है कि विषज सविष प्राणी परिसर्पण मूत्रणा दृष्टा दंत नखा घातात विष प्राण्यानपि विण मूत्र शुक्रोपहत बलवद वस्त्र संकरात विष वृक्षानिल स्पर्शात गर योगावचूर्णात मृदुश्चलो अवलंबी च शीघ्रो दाह रुजा करहा। मतलब देह पे अगर विषैले जीव चढ़ जाते हैं, सांप आदि चढ़ गए, या उनके यूरिन करने से, यूरिन लगने से विषहीन जीवों के दांत लग गया, दाढ़ लग गया या नाखून लग गया, उसके वजह से जो भी जैसे चूहा वगैरह काट दिया, बिल्ली काट दी, बिल्ली का नाखून लग गया, विषैले जीवों का मलमूत्र आदि जिस वस्त्र पे लगा, उस वस्त्र के पहनने से, विषैले वृक्ष की वायु लगने से या कृत्रिम वृक्ष लगने से, शरीर पे लगने से विषज शोथ उत्पन्न होता है। यह शोथ कोमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने वाला, अवलंबी अर्थात नीचे को जाने वाला, शीघ्र उत्पन्न होने वाला तथा दाह और पीड़ा करने वाला होता है। टीकाकार जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बोलते हैं विषजम आह विषज इत्यादि सविष प्राणिनः सर्पायास्तेषां परिसर्पणं भ्रमणं तस्मात् सविष प्राणिनां मूत्रणाश्च दृष्टा दन्तेति दृष्टा कुटिला डाढ़ इति ख्याता तद्विपरीतश्च दन्तो गोवली वन्या गोवलिर्वद्यन्यायात् विण मूत्र शुक्रोपहत बल मल वस्त्रवत् संक्रादिति सविष प्राणिनाम विण मूत्राद्युपहतम मलवच्च वस्त्रम यतस्य संस्पर्शात् अवलंबी अधोगमनशीलः शीघ्र शीघ्रोत्पत्ति अयम चागंतुरपि विशिष्ट लिंग चिकित्सोपयोगात् पृथक पठितः। इसका मतलब यह है कि अभिघात शोथ के पश्चात विषज इत्यादि पद्य संदर्भ द्वारा विषजन्य शोथ के लक्षण कहते हैं। सर्प आदि जो विषुक जीव होते हैं, उनके परिसर्पण अर्थात ऊपर रेंग जाने से अथवा मूत्र कर देने से, दृष्टा दंते इत्यादि, दृष्टा जिसे डाढ़ कहते हैं, दांत उसके विपरीत होता है, जैसे गाय बैल पुकारा जाता है वैसे ही दाढ़ इत्यादि का भी इकट्ठा पुकारा जाता है। विण मूत्र इत्यादि विषुक प्राणियों के विष्ठा मूत्र वीर्य आदि के संसर्ग से मलिन हुए वस्त्र के पहनने वाला शोथ, अवलंबी अर्थात नीचे लटकने वाला, शीघ्र अर्थात शीघ्रता से उत्पन्न होने वाला, यह विषजन्य शोध भी यद्यपि आगंतु है तथापि इनकी चिकित्सा में विशेषता होने से इनका प्रत्येक निर्देश किया गया है। अभिघातज के पश्चात विषज शोध के लक्षण कहते हैं विषुक्त लूता मूषक मतलब मकड़ी लग गई, मकड़ी ने काट दिया, या चूहा जो विषयुक्त रहते हैं, सांप आदि प्राणियों के परिसर्पण अथवा मूत्र आदि करने से, लूता या मकड़ी आदि शरीर पर रेंग जाने से शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, शरीर सूज जाता है। इस तरह से चूहा यदि शरीर पे मूत्र कर देवे तो
तो भी शोथ हो जाता है। विषहीन प्राणियों के भी, अगर जो विषहीन है तो उनके भी अगर दाढ़ लग गया, दांत नाखून आदि के क्षत से, बिल्ली वगैरह जो रहती है वो, उसका अगर लग गया या उसके बाल लग गए, तो तथा विषुक प्राणियों के मल मूत्र शुक्र आदि गिरने से, मलिन एवं गंदे कपड़े पहनने से, विष वृक्ष बिछुआ बूटी या क्रौंच फली के छू जाने से, विषैली वायु के स्पर्श से, या गर्योग अर्थात कृत्रिम विषयुक्त वस्त्रों के संसर्ग से, शत्रुलोक बिस्तर या पहनने के कपड़ों पर अति सूक्ष्म कृत्रिम विष को छिड़क दिया करते हैं। पहले के जमाने में शत्रु लोग भी ऐसे कपड़े डाल देते थे बिस्तर वगैरह पे। ऐसे बिस्तर पर सोने से या कपड़े पहनने से शरीर में दाह कंडू तथा शोथ हो जाया करता है। यह शोथ मृदु चलायमान लटकने वाला, शीघ्र उत्पन्न होने वाला तथा दाह एवं पीड़ा युक्त होता है, ऐसे बताया। तो ये विषयुक्त शोथ ऐसे बताया। आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस है तो कुछ बताइए, कुछ केमिकल लग गया या कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, देखा है आप लोगों ने पेशेंट, किसी को कुछ बोलना है बोलिए। नहीं, प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। सर मेरी ना एक आदत थी, जब द्रव्य गुण पढ़ती थी तो वो प्रियव्रत शर्मा की बुक लेके ना कोई भी, जैसे कोई गार्डन होता था या हर्बल गार्डन, उसमें चले जाती थी बुक लेके, वो पत्तों को पकड़ पकड़ के पढ़ती थी। तो कई बार जैसे ये आक या धतूरे के पत्ते रहते ना, इनको जब टच करते थे सर, मेरी ना फिंगर्स पे कई बार स्वेलिंग हो जाती थी, स्पेशली कोई विषैला जैसे करते थे। तो वहां पे ही मैंने प्रैक्टिकली देखा, पहली बार मैंने डिस्कवर किया कि जो ये निर्गुंडी होती थी, तो मैं क्या करती थी, करने के बाद ना मेरे हाथ पूरे सूज जाते थे। मैं पूरा पत्ते को घुमाकर उसका फल देखा, ऐसे देखा, तो हाथ सूजन हो जाती थी। तो उसके बाद मैं क्या करती थी, निर्गुंडी के जो पत्ते होते थे, तो भी मैंने पढ़े, इसका एक साइड ट्रांसपेरेंट एक ऐसे है, तो जब उसको रब किया उस जगह पे, तो उसी समय मेरा वो स्वेलिंग उतर जाता था। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, कई बार इनमें से भी कुछ ऐसी सिक्रीशंस रहती है कि आपके मतलब उसको टच करने से भी कई बार शोथ हो जाता है, कई बार कट्स पड़ जाते थे। जैसे कोई, हम अगर जैसे कल ही रात को वो बात हो रही थी रस शास्त्र की, ऐसे किसी जड़ी बूटियों का, स्पेशली अगर रस का हम कोई सिद्ध कर रहे होते हैं, कोई तेल बना रहे थे सर, उससे भी कई बार ऐसे जैसे बॉयल्स बर्न्स हो जाते थे सर। उसमें भी जैसे ये चमेली के पत्ते, जाति पत्र, ये सब हम लगाते थे, उसी समय सर ये रिलीफ हो जाता था। तो रिलीफ भी इनसे होता था और शोथ भी इनसे होता था, तो ये भी कई बार देखने को मिलता है जी सर। थैंक यू। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। तो इंसेक्टाइड्स की वजह से जो ये रहता है, और जैसे मैडम ने बताया वैसे अवध तंत्र में जब मैं स्टूडेंट करके पढ़ती थी, तो मुझे लगता था वाह टॉक्सिकोलॉजी में बहुत अच्छा ही हो सकता है। गलती से उस सेक्शन की तरफ बाद में ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने ससवन हॉस्पिटल पहचान करके मैंने मोटेम देन मोटरी में खुद जाके मैं ये करती थी। तो आई यूज टू हैव दैट वेरी बिग क्यूरोसिटी। इवन मैंने ड्यूरिंग लिसनिंग मैंने सर्पविष और इसके पॉइजन के ये देखे, बहुत खतरनाक ये रहता है सर उनका, मतलब जो विष की बाधा रहती है और उसका। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने एक्सपीरियंस किया हो, जो छोटा सा बाइट था वो, लेकिन इट वाज सो ड्रेडफुल और इट वाज सो भयानक था वो था इंसेक्ट बाइट, जो मधुमक्खी के दो प्रकार है, एक गांधीन माशी एक मधमाशी बोलते, जो एक हनीकूम में रहती है और एक गांधीन माशी का एक छोटा सा प्रकार रहता है। अब वो खेती में, बिकॉज मेरे खेती में मैं सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि बस जाना है, एक दिन विजिट करके आना है, लेकिन दैट समवे दैट रूम वाज ओपन और वो हाथ पे आके बैठी, तब कुछ नहीं लगा, बस थोड़ा सा बाइट हुआ एंड विद इन एक 2 मिनट के अंदर मेरा पूरा हाथ सर्वाइकल रीजन से लेके आ रहा था, पूरा पूरा सुन्न हो गया, मतलब उठ भी नहीं रहा था। इट वॉज डबल इन साइज, इतना स्वेलिंग हो गया था एंड आई वॉज लाइक एनीथिंग, मतलब इतनी चटपटा रही थी मैं। वहां की खेती में हमारे कुछ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने मिट्टी ला के लगाई, मिट्टी, एंड आई इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मिट्टी लगाने के बाद में जलन कम हुआ। उसके बाद में मैंने काफी कुछ, मतलब धतूरा बीज है, देन धनिया है, देन जाति का वो है, वो ऐसी कुछ चीजें की, क्योंकि मेरे सिटी से 70 किलोमीटर पड़ता है ना गाँव में खेती। तो इट वॉज दैट वेरी टिपिकल साइन, क्योंकि उससे ना वो जो हम बोलते हैं ना दंशवत वेदना और जो संचारी वेदना, दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस टू सी। एंड आफ्टर दैट आल्सो मैंने जो कुछ ऑयल्स है
उसमें एक सूर्य प्रकाश फिल कर किया था ना, अभी नहीं मिलता है वो। इट वॉज अ वेरी स्मॉल बॉटल और वो ऑयल जो है वाइट सॉरीज पे मैं लगाती थी अलॉन्ग विद चंदन वाला नक्शा भी एंड जाकर दी थी। तो जो भी बाइट है बच्चों को लगाया या फिर दूषी विषय कुत्ते वगैरह काटने के बाद में सबसे पहले क्लिनजिंग वगैरह करके, अभी तो जेली और प्रोपोलिस लगाते हैं, लेकिन 10 साल पहले जो है इस तरीके से बहुत, क्योंकि वनस्पतियां इजीली मिल जाती थी अहमद नगर में 15 साल पहले, तो दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो केमिकल गर्विश है सर, मतलब जिसे बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन बिकॉज ऑफ द केमिकल्स, वो बहुत इससे हैंडल करना आना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग और ये इसमें कन्वर्ट होता है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस मेरे सामने देखा जब पेशेंट ने उल्टियां शुरू की थी, तांबे का बर्तन था और गलती से उन्होंने नींबू पानी उसमें रखा था एंड दैट मतलब पिया कुछ, हमें किसी को नहीं पता चला तांबे का इसमें पानी अच्छा है इसलिए मैं बता दिया, तो उन्होंने पूरी रात तांबे के पानी मिला, उन्होंने नींबू पानी रखा था एंड सुबह उठ के जब पिया 5 मिनट में ऐसे बोलते प्रोफ्यूज उल्टियां बोलते ना एकदम बड़ी बड़ी उल्टियां एकदम बैक बैक करके मोमेंट में जैसे होती है, वो सरप्राइज की तांबे का पानी पे। फिर जो बचा हुआ कंटेंट था मैंने टच करके देखा तो टेस्ट करके, इट वॉज मैंने बोला नींबू पानी था उसके अंदर, तो बोले हाँ दैट टाइम वो मतलब मदन फल चटा के नमक खिला के सद्य भ्रमण करा के, इट वॉज वेरी डेंजर टू हैंडल बिकॉज मेरे इन लॉस थे एंड दैट वॉज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद में 2-3 दिन सुबह सब चेक कर गए वगैरह दिया, लेकिन दैट वॉज की कोई ऐसे विश रहते हैं कि आपके पास में इमरजेंसी ये होना चाहिए आपके पास में, जैसे मॉडर्न में इमीजिएटली 14 फेनार्गन एविल सब इमीजिएटली दे देते, तो वैसे आपका आपके पास में ये होना चाहिए कि आपका लेप है आपका विशेष में जो भी चिकित्सा है आप उसके ऊपर अगर कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी करते हैं उनको लग जाता है कील झुक जाता है इमीजिएटली बाकी की सारी चीजें, तो इट हैज बीन हैपन। और दूसरा चीज ये कि मेरा बेटा बहुत नॉटी था तो उसको ऐसे कील झुक गया वो लग गया, अब हर बार टीटी कैसे लगाने का और टीटी लगाए तो बिंदास कैसे रहने का, इसकी वजह से फिर वो मेरे पास में वो मिट्टी का एक्सपीरियंस था, तो फिर उसके बाद में मैंने वो मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर सारी जो ये धतु पत्र है रंड पत्र है इसका ऐसे कॉम्बिनेशन करके मेरे पास में लगा था, जब भी उसको ऐसे कील वगैरह वो बताता नहीं था क्योंकि मैं गुस्साती थी, तो मैंने उसको बताया ऐसा मत करो, वो प्रिकॉशन मैंने करके रखा था, जैसे उसको लगता वगैरह था वो खुद आता था लगाता था, जैसे आप वो लेप लगाते हो तो वहाँ का जो भी स्थानिक शोक है स्थानिक शोक कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, विष जो भी कम हो जाता है, सबसे मेन इसमें कारागर होता है दारू हल्दी और हल्दी का लेप अगर आप, और उसमें तुलसी तुलसी रस अगर आप ये करते हो, तरीका बहुत सिंपल है आपके पास में ऑर्गेनिक हल्दी हमेशा ही, मेरे पास इमरजेंसी मैनेजमेंट 3 जगह पे हल्दी रखी होती है ओपीडी के अलावा घर में, क्योंकि मैं प्रतिसारण टॉन्सिल्स पे भी डायरेक्ट प्रतिसारण करती हूँ, कहीं पे कुछ लग गया तो मैं डायरेक्ट प्रतिसारण करती हूँ, अगर पेशेंट का वुंड इन्फेक्टेड नहीं सामने ब्लीड हुआ है तो इंस्टेंट ऑर्गेनिक हल्दी आप लगा दीजिए, इट हैज अ वेरी गुड हीमोकोएगुलेशन इंस्टेंटली, तो वैसे उसका विशेषण कार्य अगर आप दारू हल्दी हल्दी और उसको तुलसी सूरस में आप उबाल के थोड़ा सा गर्म लगाना पड़ता है अगर दूषी डिश है तो कोई कीटक वगैरह करता है, लेकिन इट गिव्स अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट। और फिर उसके बाद में आप धुआं दीजिए आप बाकी का जो भी पित्त शांत करने वाला शोध कम करने वाला है वो ट्रीटमेंट के लिए आपको समय मिल जाए। सर एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ, एक मेरे पेशेंट थे सर, उनकी कोई अपने ऑफिस की कोई मीटिंग थी जहाँ पे 7 डेज उनको इधर मुंबई में रहना था, उनको वहाँ खाने पीने में पता नहीं उनको क्या खिलाया गया कि वो वेजिटेरियन थे तो कुछ नॉन वेज खाना था, तो वो प्योरली वेजिटेरियन थे, तो उन्होंने जो भी खाना खाया उनसे उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उन्होंने कंसल्ट नहीं किया और उन्होंने वहां पे एलोपैथिक मेडिसिन ऐसे ले ली केमिस्ट से, ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडोजोल का कॉम्बिनेशन लिया, मेरे को अभी तक याद है बिकॉज इस बात को 3 ईयर्स हो गए सर, बट सर उसके बाद उनकी वाइफ का फोन आया सर, उनका पूरे बॉडी पे ऐसा स्वेलिंग था, मैंने मतलब इतना भयानक स्वेलिंग कभी नहीं देखा, और विद इन 2-3 आवर्स उनको वो मेडिसिन लेने के बाद ऐसा स्वेलिंग हुआ, और सर उनके बॉडी पे जैसे शीत पित्त तो बहुत कम उदर्द कोट जैसा मैं बोलूंगी, मतलब मोटा मोटा स्वेलिंग था, मतलब इतना रेडिश और इतना मोटा पूरा फ्लेयर्ड अप स्टेज पे आए थे, तो उनका 2 दिन के बाद उनकी फ्लाइट थी, तो मेरे को खुद नहीं समझ में आया कि इतनी जल्दी इनको क्या हील करेगा, और वो बिल्कुल एलोपैथिक नहीं लेना चाहते थे, उनको डर लग गया एलोपैथी से इतना कि हम नहीं अब दोबारा कोई रिएक्शन हो जाएगा सर, उनको मैंने
अविपत्ति कर चूर्ण और हरिद्राखंड, सर यही उनके पास उनको मिला वहां पे जहां पे भी वो ठहरे हुए थे सर। उनको अविपत्ति कर चूर्ण से मैंने सर 2-3 बार विरेचन कराया, उनको बोला कोई बात नहीं अगर जितना भी आपका निकलेगा उससे ही निकलेगा सर। हरिद्राखंड और अविपत्ति कर चूर्ण इनको बार बार देते गए, फिर बाद में जब उनका रात से मतलब सुबह पहुंचते तक सर अराउंड 60% उनका हील हो गया इसी से विरेचन से सर। तब मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में अविपत्ति कर चूर्ण पे इतना विश्वास हो गया सर कि सर 60% सर उसी समय देयर एंड देन हील हो गया। मतलब सर उनका बॉडी देखा नहीं जाता था, सिर और मुंह कुछ भी देखा नहीं जाता था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या इनको बीमारी हुआ सर। उसके बाद सर मॉर्निंग में उनके वाइफ को मैंने प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, जहर मोरा खताई पिष्टी और ये सब कुछ लिखाया तो उनको वो सारा अवेलेबल हुआ सर। उसके बाद मैंने उनको कंटिन्यूसली बोला कि आपने हरिद्राखंड में मिला मिलाकर और अविपत्ति कर चूर्ण और हरिद्राखंड इसका कॉम्बिनेशन बनाकर सर पूरे दिन देते गए सर। नेक्स्ट डे वो फ्लाइट बोर्ड किए और बिल्कुल सर सही रहे, उसके बाद उनको लाइफ में कभी दोबारा नहीं हुआ सर। सर ये बड़ा ही एक्सपीरियंस था इसका अपने हर्बल मेडिसिन का सर। कुछ भी रस में नहीं दिया मैंने उनको, केवल अविपत्ति कर चून से ही सर उनका ये मेन मैनेज हुआ सर। और कोई टेबलेट भी नहीं मिला सर उनको उस समय उधर सर। थैंक यू जी, बहुत अच्छा बताया मैम। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। आगंतुज या विशज शोध के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ बताइए। अनुरिता मैम से पूछना था जो ये मुल्तानी हाँ। मिट्टी का बता रहे हैं बच्चों में सर, वो थोड़ा सा शेयर करेंगे क्या क्या डालते हैं मुल्तानी मिट्टी में, जैसे बच्चों को तो चोट लगती रहती है। हाँ वही वही मैम, दशांक लेख के जो कंटेंट है ना वो कंटेंट अगर आपको रेडीमेड मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल वनस्पतियां मिलने में दिक्कत है। पहले तो मैडम मैं मेरी खेती का पोइटा करके हमारे यहाँ पे एक मिट्टी आती है जो खेती में होती है, बहुत अच्छा फर्टिलिटी और फर्टाइल सॉइल रहता है और ब्लैकेंड सॉइल रहता है, वो मैं इस्तेमाल करती थी। बट नाउ इन दिस लेटेस्ट 15 ईयर्स ना यू रियली डोंट हैव अ वेरी गुड कल्चर्ड सॉइल। मतलब मैं अभी मेरे टेरेस गार्डन के लिए लाती हूँ ना तो हम खरीद के लाते कहीं कहीं से, तो उस इसमें मैंने देखा था कि जो अगर आपके पास में अच्छी मिट्टी है जिसका आयन कंटेंट जिसका मिनरल कंटेंट अच्छा था वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी का भी ट्रेनिंग लिया है दिल्ली के गुड़गांव में, उस वक्त मैंने उनका मड थेरेपी वगैरह देखा था और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ना उस वक्त में जब मेरे खेती की, तो मुझे तब मतलब इतना मैं इम्प्रेस नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा यूज करना शुरू किया, अभी मिलती नहीं है इसलिए मैं मेदा लकड़ी देन गोपी चंदन और जो ये मुल्तानी मिट्टी है इनको मैं आज देखिए आपका आजकल का गोपी चंदन भी वो वैसे शीतलता नहीं देता है जैसे पहले अपन टिक्का लगाते थे तो भी माथे पे वाइब्रेशंस आते थे। इस वजह से जो मुल्तानी मिट्टी है वो कम से कम आपको पता चलती है चिकनी वगैरह, वो उसमें भी बहुत खराब ये चीजें आती है। बट अगर आपने मुल्तानी मिट्टी लाया, मुल्तानी मिट्टी के इसमें जो दशांग लेप के कंटेंट है उसमें से दारू हल्दी, हल्दी बहुत इजीली मिलता है, लेकिन रेडीमेड पिसा हुआ चीज लाने की बजाय ऑलवेज प्रेफर कि आप हलकुंड लेके आइए जो रॉ है, उसको धो के उसका पानी प्रक्षेप निकाल के उसकी दुष्टि निकल जाती है, लाल पड़ जाता है पानी, फिर उसको सुखा के फिर उसकी हल्दी बनाइए और फिर वो जो हल्दी है वो काफी दिन तक रुकती है। सेकेंडली मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ 1 साल तक प्रोजेक्ट किए परभनी में, तो परभनी इज एन एरिया इन टू महाराष्ट्र जहाँ पे हल्दी का प्रोपोगेशन मतलब कल्टिवेशन होता है, तो वहां से मैंने कुछ वो लाए थे वेजिटेटिव उनके ये लाए थे। ऐसे अगर आपको कहीं मिल जाता है तो अगर आपको सच में अपने बच्चे के लिए चाहिए यू प्रिपेयर इट, यू कीप इट वन पॉट, एक प्लांट लगा दीजिए। आपके घर में अजवाइन का प्लांट चाहिए, आपके घर में मिंट का चाहिए, आपके घर में जिसे बोलते कि हल्दी और दारू हल्दी का चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये मिल जाती है इजिली तो आपके घर में इमरजेंसी चीज के लिए कोई फिनार्गन कोई ये चीज का जरूरत नहीं पड़ता। बट वी डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स, तो मैं बोलती कम से कम अर्क रखा रही है, अर्क जो भी है बड़ीशोप अर्क है, पुदीना अर्क है, ये सारी चीजों के अर्क आए, मतलब द नेक्स्ट एरा आफ्टर घन सत्वास विल बी दिस थिंग अर्क। लेकिन वो डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत टीडियस रहता है इसलिए हम बनाते नहीं और बहुत कम कंपनीज बनाती प्योर फॉर्मेट में। बट इफ एनीबडी हैज एन रिसर्च इंटरेस्ट इन टू आयुर्वेदा गो फॉर अर्क फॉर्मेशन, बहुत अच्छे रिजल्ट। और यही वजह से कि होम्योपैथी लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज देयर कंटेंट ऑफ मेडिसिन इज लेस, देयर टेस्ट इज वेरी लेस एंड दे यूज टिंचर्स ऑयल विच इज फॉर्मेट, जबकि वो एंड आयुर्वेदा गोज इन पैरेलल बिकॉज वी यूज कंप्लीट हर पंचांग, दे यूज टिंचर्स। इफ वी नीड टू प्रोपोगेट आयुर्वेदा तो हमारी जो क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है जो 10-20-15 टैबलेट तक जाती है, काफी बार 40 टैबलेट तक जाती है, उसको अगर हम कर पाए ना दैट विल बी वेरी बेस्ट। इसलिए मैं क्या करती हूँ ये जो अर्क रहते हैं बड़ीशोप अर्क, अजवाइन अर्क या कुछ ऐसे चीजें ये रखती हूँ उसमें वो अर्क डाल देती हूँ,
ताकि पेन किलिंग वातज्ञ शोथज्ञ जो भी चिकित्सा है वो जल्दी हो जाए। और कैसे है ना, काफी सारे सिंड्रोम देन साइनोविल साइनोवाइटिस या ऐसे पेन किलिंग कंडीशन। मुल्तानी मिट्टी का बता रहे थे, मुल्तानी मिट्टी में एरंड जो आप बता रहे एरंड हैं पत्र है, बेटे के लिए एरंड पत्र है, उसके बाद में धत्तूर पत्र है, हरिद्रा दारू हरिद्रा और कुछ अर्क है, जिसमें से अगर अजवाइन अर्क मिलता है आपको तो अजवाइन का, वो जीरे का अर्क मिलता है तो जीरे का। आई हैव, मैं मुझे कहीं मिल जाता है तो मैं लेके आती हूँ, तो वो डालती हूँ मैं प्रिपेयर कर लेने के बाद में। प्रिपरेशन अगर आपको इसमें से कुछ भी हो जाता है, जब आप उबालते हैं उसको लिप बनाते हैं तो उसको तुलसी पत्र का सोरस फ्रेश डाल दीजिए, तो रक्षोग्न भी कार्य करता है एंटीबायोटिक भी कार्य करता है जी मैम। मुल्तानी मिट्टी, एरंड पत्र, धतूर पत्र, धतूर पत्र, हरिद्रा दारू हल्दी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा और ये तुलसी पत्र का फ्रेश स्वरस अगर मिल जाए या अर्क अजवाइन। जी मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अभी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज आप लोग। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? किसी ने एनाफिलेक्टिक रिएक्शन देखा है क्या सर, उसकी शोथ और एनएसआर का देखा है क्या हम में से किसी ने? दैट इज अ वेरी ड्रेडफुल एक्सपीरियंस। बताइए बताइए आप। नहीं नहीं सर, अगर मेरे अलावा किसी ने देखा है तो वही पूछ रही हूँ कि किसी ने देखा है क्या, इंजेक्शन गलत गए हैं या फिर सामने ही रिएक्शन आया या पेशेंट सिंकोप में पूरा मतलब अच्छा पेशेंट था और वो। आप बताइए, आप बताइए, सब लोग सुन रहे हैं, आप बताइए। नहीं सर मैंने देखे, किसी ने देखा होगा तो मुझे वही। गुड मॉर्निंग मैम, मैम मैंने देखा है जब मैंने बीएमएस करी तो मैं जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाती थी जैसे एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो वहाँ एक पेशेंट था उसका फीमेल फिटिसाइड हुआ था। उन दिनों मुझे अभी इतना ज्यादा समझ नहीं आता था मतलब, तो उसका फिटस तो एक्सपेल हो गया, तो जस्ट उसके बाद उसे इतनी मतलब थिएटर में ही उसे इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई कि वो गायनेकोलॉजिस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो उसने फिर दो तीन डॉक्टर्स जो और वहाँ के हुशियारपुर की बात में बता रही थी, वहाँ सीनियर डॉक्टर्स को उसने कॉल किया। तो वहाँ एक बहुत सीनियर थे जो मैं सुनती थी अपने बचपन से ही मतलब के बहुत अच्छे डॉक्टर गोयल गोयल थे, तो उन्होंने आके पेशेंट को सारा देखा। तो फिर उनको सर्जन को बुलाना पड़ा, उसने उसके फीट के पास से जैसे विनी सेक्शन वगैरह किए, तो वो जो मेडिसिन के डॉक्टर थे काफी सीनियर उन्होंने ये बताया कि एनाफाइलेक्टिक शॉक है। तो मतलब आई डोंट नो कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, बट मैम ये है कि पेशेंट विद इन 48 आवर्स फिर वो कॉन्शियस हो गई थी पेशेंट और उसका शोथ भी कम हो गया। बट ये है कि मेरे को अब तब कुछ भी समझ नहीं थी, बट अभी आपने जो बात किया तो मेरे को वो रिकॉल हुआ मैम, क्योंकि शोथ में पहले वो ही ध्यान में आता है, सबसे ड्रेडफुल शोथ वो रहता है। अगर आपने देखा है तो यू आर वेरी लकी, गायनेक में भी ऐसे मिलते हैं मैम सिम्टम्स काफी बार। क्या रहता है जिन्होंने एमटीपी या ये चीज देखी होगी तो बहुत रेयरली, लेकिन एमटीपी में अगर पेशेंट शॉक केस में चली जाती है बहुत क्रिटिकल कंडीशन, देन पीपीएच जो रहता है पोस्टमार्टम हेमरेज उसमें भी देखा है। लेकिन जो एनएसआर का है ना, एनएसआर का मतलब इट्स अ वेरी मैसिव एडिमा। मैसिव एडिमा मतलब ये कि फटाफट 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 कैपिलरीज फूटने लगती है। लोगों ने सेल्युलाइटिस वगैरह देखा होगा कि पैर में सूजन है, पेशेंट वो सूजन लेके आया, लेकिन एनएसआर का इज अ वेरी ड्रेडफुल कंडीशन। और जो उस कंडीशन में मतलब मेरा कैसे है, भले ही मैं बिकॉज बीइंग एन आयुर्वेदिक क्रिटिकल कंसल्टेंट एटलीस्ट मुझे परमिशन मिल जाती है आईसीयू में या एनआईसीयू में जो इमीडिएटली करने का, भले हाथ लगाने का नहीं मिलता है बाद में ये कर लेते, लेकिन मैंने देखी है ऐसे कंडीशन कि पेशेंट को ड्रग गलत गया है, सीक्वेंस गलत गई है, पेशेंट इमीडिएट कार्डियक फेलियर में गया है। जैसे एलिफेंटाइसिस में कैसे बॉडी सूज जाती है, वैसे इतना मैसिव सूजन रहता है, इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन। मैनी अ टाइम इसमें ड्रग एलर्जी रहती है या फिर बॉडी का जो रिस्पॉन्स रहता है, जैसे मेरा पर्टिकुलरली बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग था, तो मतलब बॉडी डजंट रिटेन द फ्लूड, इट लीव्स ऑफ ऑल द फ्लूड और मेन लिम्फैटिक ब्लॉकेज हो जाता है, वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, वाटर रिटेंशन पूरी बॉडी में हो जाता है। 30 सेकेंड के अंदर इंजेक्टेबल के बाद 30 सेकेंड के अंदर मेरी पूरी गले की रक्तवाहिनियां, मेरे पेट में बेबी था तो पूरा पेट तक पूरा इन्फ्लेमेशन और पूरा बोलते ना बॉडी सूजन होके सब कुछ अटक गया था, मेरी सांस भी अटक गई थी। सो दैट आई नो, लेकिन एनासार्का में मैंने देखा ऐसे बंदों को जो इमीडिएटली
किडनी फेलियर में या लिवर फेलियर में गए हैं, और एलर्जिक रिएक्शन बहुत ड्रेडफुल होता है। मतलब जो भी लोग अगर आपके हॉस्पिटल से, तो आपने आपका तो वो प्रोटोकॉल ही रहता है, लेकिन वो किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, भले इट मे बी एनी, वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा डॉक्टर की गलती रहती है, लेकिन वो कैपिलरी लीक जो है वो एनासार्का में बहुत इजीली आपको तुरंत दिखता है। फ्लूड कैसे लीक होता है, कैसे प्रोटीन्स बाहर दे के, कैसे कफर शोध होता है या शोध होता है, उसके सारे टाइप्स आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि पेडल एडिमा एक्सट्रीमिटीज में पहले आता है, फिर पेट, फिर बॉडी, और बहुत जल्दी आता है। तो वो एक्सपीरियंस अगर आप कर पाओ तो यू विल कम टू नो कि व्हाट इज शोथ विच इज बिकॉज ऑफ द एलर्जी या कंप्लीट बॉडी का मैसिव जो ये रहता है, एवरी बॉडी पार्ट्स विच गेट्स स्वेल्ड अप। फीट हैंड लेग्स पे इजीली दिखता है, लेकिन बाकी का एडिमा और जो इंटरनल एडिमा है जहाँ पे, वो मैंने बहुत मतलब मेनी अ टाइम मैंने देखा है, जो मलीना और इसमें से पता चलता है मेनी टाइम विद दिस विद द सिरोटिक लीवर, और सिरोटिक लीवर में कुछ सर्जरी चल रही है अभी, आई डोंट नो इनके इंडिकेशंस कैसे रहते हैं, यूजुअली वहाँ पे कोगुलेशन सिस्टम बहुत बिगड़ी हुई रहती है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें सर्जन्स लोग करते हैं, और तब बिकॉज अभी सर्जरीज इतनी ईजी हो गई, आपको सारा ऑडियो विजुअल दिखता है, तब अंदर कैसे कलेक्शन होता है, कैसे वाहिनी फूटती है, तो दैट इज अन वेरी अनयूजुअल एक्सपीरियंस जिसके भी पास में, मतलब यू हैव अ हॉस्पिटल और सर्जरी, तो ऐसे मत करिए कि सर्जरी नहीं देखना है हमें, मॉडर्न, हमें भले ही मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं करना है, लेकिन हमें अगर रक्त का प्रस्कंदन कार्य देखना है या खून को कोएगुलेट करते हैं, कॉटरी देखते हो आप, तो आपको पता चलता है कि जीवनीय कार्य कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत अलग था, मतलब जो एनएसआर का अगर जिसने देखा होगा उसको तुरंत पता चलता है कि कितना भयावह रहती है वो परिस्थिति। और दूसरी ऐसी कंडीशन रहती है जो मैंने पर्सनल, आपने भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, बर्न के बाद का जो एडिमा रहता है, बर्न दैट इज यू कैन से आगंतुक शोथ ओनली, इट्स वेरी ड्रेडफुल। मैंने मेरे बर्न वार्ड में एक डॉक्टर थे नगर में, जो मेरी क्रीम्स चत्यादि तेल और कुछ कॉम्बिनेशन यूज करते थे लॉन्ग टाइम, लास्ट 20 years इज यूजिंग माई क्रीम एंड माई कॉम्बिनेशन। उस वक्त में मुझे मतलब एक थोड़ा सा डेयरिंग करके, सबसे ज्यादा डेयरिंग में अगर आपको बनना है तो यू हैव टू गो टू बर्न वार्ड टू किल योर फोबिया, अगर आपको एक अच्छा सर्जन या एक अच्छा इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है तो। वहां की बॉडी आप सोलन देखिए, जो 80% अबव 70% अबव जिनको इसमें कवर में रखा जाता है, वहां पे आपको शोध कम होता हुआ और शोध बढ़ता हुआ, पूरा जो स्टडीज है हमारी जो भी रस और रक्त की लिम्फेटिक ड्रेनेज का, तो वो एक वहां पे आपको सीखने को मिलेगा, भले आपको ट्रीटमेंट करने के लिए मिले बट एक्सपीरियंस के लिए जरूर जाइएगा। द रीजन इट्स वेरी लाइफ सिक्योरिंग दिस थिंग सिस्टम जो आपको पढ़नी चाहिए और आपको मालूम होनी चाहिए। वो शोथ का बहुत अलग रहता है बिकॉज उसको आगंतुक भी रहता है वहां पे, इमरजेंसी भी रहती है, और दूसरा आप एवरी डे जब स्टेज देखते हो हीलिंग की, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको धातुअग्नि लेवल तक कैसे हीलिंग होता है वो भी पता चलता है। तो दैट्स एन अनदर शॉर्ट हिस्ट्री। मैं बर्न वार्ड में बहुत घूमती थी, बहुत मैंने देखा हीलिंग, मुझे ये देखना होता है कि आयुर्वेद से हीलिंग कैसे होता है, फेस पे हीलिंग कैसे होता है। सबसे फास्टेस्ट हीलिंग होता है आपके फेशियल एरिया में, और बाकी के एरियाज उसके बाद में, बिकॉज सबसे अच्छा ब्लड सप्लाई फेस एरिया में रहता है। मैम उसमें आप क्या उसमें रिकमेंड करते थे ड्रेसिंग है, क्योंकि मैंने भी बर्न बोर्ड देखा है, वहां जाकर आपका मन ही खराब हो जाता है, क्योंकि पूरा मैडम बहुत मन खराब होता है, और मैंने इसकी वजह से ना, और पूरा पूरा जैसे उनका सिर्फ बोन एरिया एक्सपोज होता है, बाकी सब बॉडी पूरा कवर्ड रहता है, और इतना स्मेली, मतलब आप बहुत भयानक रहता है उनका। मैडम मैंने ऐसे वार्ड में आयुर्वेद का सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन सच में काम कर, देखिए मैम मैंने आयुर्वेद रेट्रोवर्सल स्टडी किया, अरविंद सर बहुत ग्रेट है, इतना ओपनली सिखा रहे, मैंने बहुत झगड़ा किया ये सीखने के लिए, मतलब कोई भी बीएमएस वाला बंदा आईसीयू में और इसमें नहीं लेते। मैंने जब मेरा इंटर्नशिप था तभी मैंने जो इमरजेंसी वार्ड है कैजुअलिटीज वहां पे जॉब किया है, काम किया है, मैंने देखा हाथ से, मैंने स्टिचेस लिए, वो ये देखने के लिए कि सच, क्योंकि एनाटॉमी डिसेक्शन मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे वो बहुत मन खराब, मतलब पूरा दिन आप उल्टियां करते थे, आपको खाना नहीं जाता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैंने उस वक्त में एक बहुत अच्छा रिसर्च किया था मैडम उस एक साल में, कि मैंने पैराफिन बंद करके उस वार्ड में जो मैं एलोट जली और जो क्लिंजिंग कराती थी, और उसके बाद में जो सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन और पूरा जो अपना इसका व्रण रोपण गन है ना उसके, तब मेरे पास में टैबलेट घनी ऐसे कोई इतनी सिस्टमेटिक चीजें नहीं थी, मैं वो इकट्ठा करके चूर्ण फॉर्मेट में बना के उसका काढ़ा बोलती थी,
तब त्रिफलाक्वाथ पानी वगैरह का तो कुछ परमिशन ही नहीं देते थे वो लोग, तो इसकी वजह से फिर मैंने ये बोला था कि नॉट इन स्टार्टिंग स्टेज, लेकिन जब पेशेंट उस रिस्क से बाहर आ जाता है तो फिर तब पैराफिन के जो गॉजेस रखते हैं पूरा कवर करते हैं ना पैराफिन के, तो उससे ना मैडम पोर्स ब्लॉक होता है, एयर एंट्री नहीं होती है और वुंड हीलिंग बहुत देर से होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कोथ निर्माण होता है। तो इट वॉज वेरी डेडफुल कंडीशन, मतलब डेथ रेट बहुत ज्यादा था। इट्स नवजोत हॉस्पिटल इन अहमदनगर एंड दैट डॉक्टर इज, उनको बाकी कुछ भी नहीं, उनको कोई ग्रेटनेस ऑफ आयुर्वेदा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इज वेरी प्रैक्टिकल गाय। लेकिन इट सिंस दैट डे उनका जो जूनियर था उनकी सारी मतलब ही वॉज एनोरेक्टल सर्जन एंड आई डिड असिस्टिंग टू हिम व्हेन आई वॉज इन जूनियर स्टेज, तो ही न्यू मी माय प्रैक्टिस ऑफ मैं आयुर्वेदा में कन्वर्ट हुई, तो उन्होंने एक बार ऐसी मैडम हम कुछ कर सकते हैं ऐसे करके बुलाया था। तो आई यूज एलो फर्स्ट एलोवेरा जेली प्रोपोलिस क्रीम और उसके साथ में जात्यादि शोधन और रोपण तेल। तो लेकिन वो ये जो स्टेजेस है ना मैडम, ये आपको देख देख के पता चलती कि शोधन तेल कब रोकना है, रोपण तेल कब रोकना है, शोथ और कोथ में अगर चले जा रहा है तो आपको ऑयल्स रोकना पड़ता है आपको जो, मतलब मैं एलो फर्स्ट यूज करती हूँ जो ओनली इट हैज अ कंटेंट ऑफ एलोवेरा एंड देर आर 12 टू 15 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सम हर्ब्स जिसका कंटेंट बहुत ऑर्गेनिक रहता है। आई एम अश्योर्ड ऑफ दैट बिकॉज इट्स अ 44 इयर्स ओल्ड कंपनी, लास्ट 15 इयर्स आई एम यूजिंग। तो वो उस वक्त में ना उस स्टेज में मतलब ये गैंग्रीन वुंड वगैरह अभी कुछ भी नहीं लगता है बिकॉज वहां पे ऐसी ड्रेडफुल वुंड्स देखिए। एक तो ऐसे था कि मैंने 36 केसेस साथ में लाइन अप किए थे, उसमें से राउंड अबाउट 16 गॉट filled up from 60-70% burn. फिर उसके बाद में मैं पूरी तरह से ये हो गई। फिर ये जो आपने हरिद्रा खंड बोला ना मैडम, शीत पित्त कोट इन्फेक्शन एंड सेवन लेड इंजुरी, वहां पे हीलिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी। उसके साथ में आपका जो भी आप एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक दे, लेकिन आपको अगर शीत पित्त और कोट का संप्राप्ति भंग करना है और अपुनर्भव में चिकित्सा करना है तो हरिद्रा खंड पाक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेरा भी मतलब कुछ केसेस के इसमें किलोइड पे भी मैंने शुरू किया था बट आई डिडंट गेट टाइम बिकॉज ऑफ माय इमरजेंसी केसेस। पहले सारा जनरल प्रैक्टिस किया उसके बाद में टाइम नहीं मिला, बट किलोइड पे भी मैडम आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। किलोइड फॉर्म ना होने के लिए, फॉर्म होने के बाद में बहुत रेयरली आपको वहां पे इलास्टिसिटी मिलती क्योंकि वहां का पूरा टिश्यू ये हो जाता है। लेकिन अगर आपने बर्न इंजुरी की हीलिंग के वक्त में अगर आपने सूक्ष्म त्रिफला रखा, आपने अगर रसपाचक रक्तपाचक रखा, आपने काढ़ों में अगर आपने मतलब जो तिक्त रसात्मक चीजें जो है तो वो चीजें अगर आपने रखी, गुड़ूची इसमें सबसे फेवरेट है मेरा, देन भूम्याम लकी कालमेघ है, ये सारी कॉम्बिनेशन। अभी इतना पुराना वो 10-15 साल का, मैं वो मेरे पेपर्स निकाल लूंगी ना तो पर्टिकुलरली आ जाएगा, बट दैट वॉज वेरी हेल्पफुल जिसमें कोथ कम होता था, जिसमें किलोइड फॉर्मेशन कम होता था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था मैम। फेवरेट इज शोधन तेल, रोपन तेल, उसकी हीलिंग के बाद में एलोफर्स से क्लींजिंग बिकॉज वो माइक्रोपोर तक अंदर से पस निकालता है, एलोजली एंड प्रोपोलिस क्रीम ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मैंने इससे इंटरनली सर्वाइकल बड़े बड़े स्लब्स एंड नेबोथियन सिस्ट और इसमें भी मैंने किया बिकॉज बहुत डायबिटिक जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं डायबिटिक इंड्यूस्ड बहुत गंदे रहते हैं, बहुत तकलीफदायक रहते हैं, एंड STDs वगैरह ऐसी कंडीशन में जहाँ पे यू कांट टच द वॉन्ड बट यू नीड टू गिव अ हीलिंग, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे हीलिंग इज देयर लाइफ पैरामीटर, तो ऐसी जगह पे आप करिए। बहुत कम चांस मिलता है, मैं उस वार्ड में मुझे मिल गया था चांस, एक्चुअली अरविंद सर होते तो शायद पेपर आउट करके कुछ आर्टिकल डाल के मैं रिसर्च के लिए किसी से परमिशन मांग लेती, लेकिन उस वक्त में नहीं हुआ, नॉट पॉसिबल, बट कोई भी इस पे करे काम। मैंने ऐसे ही टंटनी करके एक वनस्पति भी बताया हुआ, फोटो भी शेयर किया था, वो जो टंटनी वनस्पति है ना मैम, क्योंकि उस वक्त में अपने हाथ में कुछ भी नहीं था, बस मिल गया गलती से चांस तो चलो उस पे करो। जैसे बर्न होता है, जैसे वुंड होता है, जैसे ब्लीड ओपन होता है विदाउट इन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड वुंड को अगर आप उसके स्वरस से नहलाते हैं, स्वरस डालते हैं टंटनी का नाम में, मैंने एक बार किया था शायद, मैं फिर से कर दूंगी, इमीजिएट वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इमीजिएट वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड ओजिंग रुक जाता है अगर वहां पे कुछ इन्फेक्टेड वगैरह चीजें वो भी बाहर निकलती है, और एक दिन के अंदर आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब इन्फ्लेमेशन के बाद की जो हीलिंग वाली स्टेज है वो इंस्टेंट आपको दिखती है। इतना सुंदर वनस्पति वो, लेकिन मेरा एनाटॉमी में था तो मुझे उसमें भी ये नहीं करें, मैंने शॉर्ट ये किया था प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे क्लिनिकल ये करने के लिए ट्रायल करने के लिए मना कर दिया था बिकॉज वो क्लिनिकल सब्जेक्ट है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, अभी हम थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।